जय हिंद साथियों, परिणाम अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिन बाद आप लोग से फिर एक बार हमारी मुलाकात हो रही है रीजनिंग को लेके। इसके पहले जो हमारी पेट की क्लासेस चल रही थी उसमें आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन पेट का जो पेपर आया है वो एकदम अटपटा पेपर है। क्वेश्चंस उसमें कहाँ से पूछे हैं, सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन उठा है, कोई मतलब नहीं है। जो आप लोगों ने पढ़ा था उसका कोई मतलब नहीं एग्जाम देने के बाद। एग्जाम मैंने पेपर देखा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया उसमें मतलब कोई लिमिट ही नहीं। क्वेश्चन जैसे हिंदी में, अगर हिंदी आप लोग ध्यान दिए होंगे तो हिंदी में सिलेबस आपका क्या दिया गया था, विलोम था, लिंग था और संधि थी। विलोम था, लिंग था, संधि थी और विलोम पर्यायवाची, ये सब थे। और संधि के अलावा कोई इस तरह समास ये सब टॉपिक नहीं था। लेकिन द्विग समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, ये सब क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। मतलब सिलेबस में जो नहीं दिया गया वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। जीएस वगैरह में, हिस्ट्री में अशोक, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, तमाम जो सिलेबस में हमारे दिए गए तो क्वेश्चन वहाँ से बहुत कम आया था। अशोक से एक दो क्वेश्चन आया, कहीं गैस क्वेश्चन पूछे, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा, कहाँ से क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन किया गया, सब बताने लायक नहीं। आप लोग भली भांति परिचित हैं, किसी भी कोचिंग का कहीं भी क्वेश्चन नहीं फंसा है। और इस अब नई क्लास लेके आए एक बार फिर से हम लोग यूपी पुलिस की बैच को लेके। इस बार आप लोग बढ़िया से एक बार फिर से यूपी पुलिस की तैयारी की, क्योंकि अब पेट वगैरह का बहुत देख रहे हैं आप लोग लेवल क्या है। पेट का जो लेवल है वो आईएएस पीसीएस लेवल फेल है। यानी पेट तो क्वालिफाइंग पेपर है, अगर क्वालिफाइंग पेपर है तो इनको क्या करना चाहिए कि एक निर्धारित अंक देते हैं, जैसे 100 में 50 के पार जो बच्चे हैं वो क्या है पा रहे हैं इसमें, वो सभी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा कर दे, ऐसा ना भी कर रहे हैं फिर भी इस तरीके एग्जाम दे रहे हैं, कोई बच्चा 50 पार नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं थे, लेवल हार्ड नहीं था इस बार। अजीब जगह से क्वेश्चन पूछा, कहीं यहाँ से क्वेश्चन, कहीं गांधी जी की लुंगी का कब से पहनना स्टार्ट किया, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, वो एग्जाम ही उस तरीके से था। आयोग वाले ही पता नहीं क्या सोच के पेपर बनाए थे। अब यूपी पुलिस की आप लोग तैयारी करें, इसमें इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें हम लोग के आपके सामने जो हमारा सिलेबस दिया गया, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा या नहीं देखो देख लीजिएगा। रीजनिंग में केवल इतना दिया गया है कि तर्क शक्ति, मतलब केवल रीजनिंग लिखा गया, उसके अंदर का कोई टॉपिक नहीं दिया गया। जैसे और भी एग्जाम पेट में टॉपिक दिया गया था हमारा 7-8 टॉपिक, लेकिन इसमें टॉपिक वगैरह नहीं दिए गए हैं। इसमें क्या सीधा रीजनिंग लिखा है, सामान्य हिंदी लिखा है, यानी सब्जेक्ट लिख दिया है सामान्य सामान्य करके, उसी में आपको पढ़ना है। इस सामान्य में वहीं से हम पढ़ना मतलब पढ़ेंगे, वहीं से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे चीज़ों को समझने का, जानने का, जहाँ से क्वेश्चन फंसता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या अनुमान है, ये लगाया कहाँ से जाता है, ये प्रीवियस ईयर देख के लगाया। जैसे एनालिसिस करते हैं हम लोग कि पिछले 5 सालों 10 सालों में किस तरीके से क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे होता है ना कि 4-5 टॉपिक कभी इस टॉपिक से उठाए, अगली साल अगर दूसरे टॉपिक से उठा ले, तीसरी साल तीसरे टॉपिक से उठाए, तो चौथी साल हमारा ये संभावना रहता है कि चौथे से उठाएगा। इस तरीके से पिछले 5-10 सालों का एनालिसिस करने के बाद यहाँ बैचेस लाए जाते हैं आपको। फिर बहुत जल्द हमारी टीम द्वारा यूपी पुलिस की बैच में आप लोग को फिर से एक बार नए तरीके से पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस, पूरा रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा, पूरा एक एक सिलेबस, एक एक चीज़ें, जो जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं इसमें, सब नए नए सेशन लेके हमारे सभी अध्यापक आएंगे। और आप लोग एक बार तैयारी करिए, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, इसमें आप लोग का चांस बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे ज़्यादा गोल्डन पीरियड नहीं हो, क्योंकि अब हाल ही फिलहाल में आगे एग्जाम कह रहे हैं, आगे चुनाव है, इलेक्शन है आगे। तो इलेक्शन से पहले आप ये प्रयास करिए कि अपने आप को सफल बना लीजिए, क्योंकि इस इलेक्शन से पहले जो वैकेंसीज आएंगी बहुत जल्दी क्लियर होंगी, जल्दी क्लियर होंगी, साफ क्लियर होंगी। अगर आप अच्छा बेहतर अपना स्कोर करते हैं एग्जाम में तो बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे अभी तक क्या होता है एग्जाम, जैसे जब इलेक्शन नहीं रहता बीच में कभी धांधली हो जाती, कभी रद्द हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी कोई कोर्ट चला जाता है, कभी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन इस समय जो हमारा टाइम चल रहा है, आगे चुनाव है, तो इसमें सब कोई लापरवाही नहीं किया जाएगा। एग्जाम होगा तो फिर आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, सीधा जल्दी जल्दी काम होगा आपका। अगर इस बार आप फिर से लापरवाही करते, इस बार नहीं हो पाते, तो फिर से आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। अगले 5 साल, 5 साल नहीं ना कह सकते, 4 साल मिनिमम करना ही पड़ेगा। क्योंकि 4 साल के बाद जब 5वां साल आएगा तो उसी दौरान लास्ट जो हमारा ईयर होता है, जैसे एक पंचवर्षीय में कोई भी सरकार हो,
लास्ट का जो पांचवा चौथे से जब पांचवा ईयर चलता है उसी में ज्यादा वैकेंसी आती है, क्योंकि आगे चुनाव रहता है, बच्चों को खुश करना रहता है, सभी को दिखाना रहता है कि नौकरियां दिए हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई भी सरकार हो इससे हमसे कोई नहीं मतलब है, मतलब हमसे इससे है कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार आपको यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर करना है, बेहतर स्कोर करना है, अपना परिणाम देना है, घर वालों पड़ोसियों को दिखाना है कि आप इस काबिल हैं। पेट के एग्जाम से आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि पेट का एग्जाम कोई नहीं पूछेगा, आप सब जान रहे हैं कैसा लेवल था, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आपके घर परिवार वाले भी जानेंगे, आप भी जान रहे हैं, आपके अध्यापक जान रहे हैं, सभी कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले जान रहे हैं, सभी आयोग खुद जान रहा है कहाँ से क्वेश्चन दिया है इसमें। लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, इस बार आप लोग तैयारी करिए एक सीरियस होके, क्योंकि पेट क्वालिफाइंग पेपर उसको देने के बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपको क्या लेखपाल का पेपर देंगे, वीडियो का पेपर, तमाम पेपर एग्जाम देंगे। लेकिन यूपी पुलिस में क्या कि यही पेपर आगे एग्जाम यही आप क्लियर करते हैं, सीधा आपका ये मेडिकल वगैरह होगा, फिजिकल मेडिकल, उसके बाद सीधा जॉब मिल जाएगी आपको। इसके बाद एग्जाम के बाद जो हमारा प्रोसीजर है, दो तीन प्रोसीजर है, जो तरीके हैं इसमें, उसको फॉलो करने के बाद आपका सीधा सिलेक्शन होगा, सीधा जॉब होगा, आप सीधी ज्वाइनिंग होगी, इसमें कोई घबराने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आज मैं आपको देखिए इसमें इस यूपी पुलिस के बैच में आप लोग के सामने क्या पढ़ाने वाले, रीजनिंग, रीजनिंग तर्क शक्ति। इस रीजनिंग में मैं आपको इस बैच में पूरा रीजनिंग, संपूर्ण रीजनिंग पढ़ाऊंगा, एक धीरे धीरे करके एक एक, क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास। एग्जाम जो है हमारा संभवतः कब होगा, जैसे अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, तो नवंबर दिसंबर 2 महीना आपके पास भरपूर समय है, और संभवतः इसमें यह मतलब लग रहा है कि इसका सिस्टम को देख के एग्जाम जो आपका जनवरी से फरवरी तक जाने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोग बेहतर ये समझ के तैयारी करिए कि दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम है, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं करना कि फरवरी बता देता, आप फरवरी लेके चलिए, एग्जाम पहले हो जाता है या कोई दिक्कत, आप तैयारी आपकी नहीं हो पाती, इनकम्प्लीट रह जाता है। आप लोग ये समझ के चलिए कि आपके पास भरपूर 2 महीना है, 2 महीने में आप तैयारी करिए एकदम मेहनत करके, अच्छे से सीरियस होके, सीरियस एस्पिरेंट की तरह आप लग जाइए, और इस बार दिखा दीजिए, इस बार एग्जाम में आप फाड़ के आइए, एग्जाम में आप दिखा के आइए कि आपका स्टेमिना है, कि आपकी पावर है, घर वालों को भी पता चलना चाहिए, एग्जाम को भी पता चलना चाहिए, और पड़ोसियों को भी पता चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपना सेशन, देखते हैं इसमें क्या क्या मतलब इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। चैप्टर हमारा कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको तो आपके सामने क्या चर्चा करने वाले हैं, क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, घड़ी, घड़ी, क्लॉक देखेंगे, कैलेंडर देखेंगे, ब्लड रिलेशन देखेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बताया था जब मैं पेट की बैच में पढ़ा रहा था, ब्लड रिलेशन, ब्लड, आपको भरोसा ना हो तो आप जब मैं पढ़ा रहा था ब्लड रिलेशन तब की क्लास देख लीजिए, अभी लास्ट में मैंने एक मैराथन पढ़ाया था, उस मैराथन में आप जाके देख लीजिए जब मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा था, तो मैं आपसे बोला था 100% आप लिख के ले लीजिए, 100% आप लिख के ले लीजिए कि ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आना तय है। ब्लड रिलेशन में दो चीज़ें होती है, एक लैंग्वेज बेस्ड होता है और दूसरा क्या होता है, कोडेड, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन। अब मैटर ये है कि कई सारे शिफ्ट में हमारे एग्जाम हुए, किस शिफ्ट में आता है, किस शिफ्ट में क्या आता है, ये चीज़ें। 28 तारीख के पहले शिफ्ट में कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, पूछा था कि ए प्लस बी का मतलब ए बी की माता है, ए इंटू बी का मतलब ए बी का भाई है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और एक कैलेंडर से क्वेश्चन आया था पेट में, 28 तारीख के पहले शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई डेट दिया गया था, डेट, मंथ और ईयर, दिन पूछा था कि इस तारीख, इस महीने, इस दिन में कौन सा दिन होगा, दिन पूछा था आपसे, दिन निकाले मैंने आपको बताया था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7 कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला था, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। और एक निगमनात्मक तर्क एवं कथन का आया था, कथन निष्कर्ष प्रभाव का जो भी कह लीजिए आप, ये इसका एक क्वेश्चन आया था। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। रीजनिंग में आप लोग उम्मीद करते हैं पूरा किए होंगे, और जगह से तो कोई चांस ही नहीं है पूरा करने का, क्योंकि कहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आया था ये सब आप लोगों ने देखा है, तो ज़्यादा उस पर बात विमर्श नहीं करते हैं,
स्टार्ट करते अपना यूपी पुलिस की क्लास। ठीक है, जो हो गया, उसके पीछे बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्लॉक देखेंगे आज। क्लॉक में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कोई घड़ी किस शेप की होती है। घड़ी देखिए शेप बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने क्लॉक देखा होगा घर में, कहीं आपके घर में सर्कल टाइप का क्लॉक होगा, मतलब गोला शेप का होगा, गोले आकार का। कभी कहीं कहीं आपके घर में इस टाइप का भी एक कोई होगा क्लॉक, जो रेक्टेंगल टाइप का होगा या स्क्वायर टाइप का होगा, इस तरीके से ऐसे ये भी होगा। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा रेक्टेंगल टाइप का, सॉरी रेक्टेंगल कह रहे, ट्राइंगल टाइप का होता है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे अंडाकार होता है, स्फेरिकल होता है। बहुत सारे शेप के क्या होते हैं, घड़ियाँ होती हैं। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है आपको, जब यहाँ आप रीजनिंग में क्लॉक पढ़ेंगे तो इसमें हमेशा सर्कल टाइप का पढ़ेंगे, जो गोला वाला हमारा शेप होता है क्लॉक का, वही आपको इसमें पढ़ना है। क्योंकि उसी में चीज़ें जो हैं आपको उसी चीज उसी क्लॉक में समझनी है। कोई जरूर नहीं कहा सर्कल ना पढ़ के रिक्टेंगल पढ़िए, नहीं मुझे तो ट्राइंगल में करना है। ठीक है, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को करते कैसे, चीज़ों को होता कैसे है, क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या ट्रिक होता है, सब इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। आज की क्लास में बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दो सुइयों के मध्य कोण निकालना, यानी दो हैंडल के बीच में, क्लॉक के दो हैंडल के बीच में, एक आवर्स वाली एक मिनट वाली के बीच में, इनके बीच का जो एंगल होता है हमारा, एंगल डिफरेंस होता है, या इनके बीच का जो एंगल कह सकते हैं आप, वही हम देखेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं कि कितना दो सुइयों के बीच कितना एंगल होगा हमारा। इसके बाद अतिव्यापन से पहले विस्थापन देखेंगे। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से इतना दूर गया, ठीक, यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ से यहाँ की जो मेरी, मतलब मेरी जो प्रारंभिक स्थान है और जो मेरा अंतिम स्थान है, यानी मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से जो हमारे बीच का डिफरेंस है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की जो हमारी दूरी होती है, वही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, वही चीज़ देखेंगे कि जैसे एक सुई यहाँ पे है, कोई क्लॉक है, एक सुई यहाँ पे है, दूसरी सुई यहाँ से, सुई यहाँ से चली यहाँ पहुँच गई, तो इनके इनके बीच का जो हमारा विस्थापन होगा कितना है, ये एंगल तुम्हारा यहाँ होगा, विस्थापन यानी इनके बीच की दूरी कितनी होगी, कहाँ से कहाँ। जैसे ये इस तरीके समझ, यहाँ से जाते हैं कोई यहाँ, यहाँ से जाते हैं यहाँ, यहाँ से जाते हैं यहाँ, यहाँ से जाते हैं यहाँ। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, था इनिशियल पॉइंट, ये हमारा है फाइनल पॉइंट। अब इस इनिशियल से इस फाइनल के बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा, जो हमारी दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह के बीच की विस्थापन, क्या हमारा दूरियां क्या है, इस तरीके कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ साइड में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या देखेंगे इस क्लास में। ठीक, सबसे पहले दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, विस्थापन, अतिव्यापन, अतिव्यापन को इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग, उसके बाद मिरर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम, ये तमाम चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या देखें, सबसे पहले दो सुइयों के मध्य, दो सुइयों के मध्य मध्य कोण ज्ञात करना, एंगल फाइंड करना, ज्ञात करना। ठीक, इसके बाद दूसरा इसमें क्या देखेंगे, अतिव्यापन, विस्थापन कह लीजिए, सुइयों के बीच का विस्थापन, सीधा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझ जाइए आप लोग, विस्थापन। तीसरा इसमें क्या देखेंगे, अतिव्यापन, अति व्यापन, इसको इंग्लिश में ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक, क्या हो गया आपका, दो सुइयों के मध्य कोण, विस्थापन, अतिव्यापन, इसके बाद समान दूरी एवं कोण, समान दूरी एवं कोण, फिर मिरर इमेज टाइम यानी दर्पण, प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब समय, उसके बाद जल प्रतिबिंब समय। ठीक, दर्पण, प्रतिबिंब समय के बाद क्या है, जल प्रतिबिंब समय, जल प्रतिबिंब समय,
उसके बाद घड़ियों का तेज तेज हुआ मंद होना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाल्टी क्लॉक, फाल्टी क्लॉक। इसके बाद घड़ियों का तार्किक विश्लेषण, घड़ियों का तार्किक विश्लेषण विश्लेषण एंगल फाइंड करना है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। समान दूरी हमको क्या कहेंगे, इक्वल डिस्टेंस एंड टाइम, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, सॉरी टाइम नहीं हुआ, एंगल हो गया यहाँ, समय नहीं। समान दूरी एवं समय होता तब इक्वल डिस्टेंस एंड टाइम होता है, यहाँ लिखा समान दूरी एवं कोण, इक्वल डिस्टेंस एंड एंगल। दर्पण प्रतिबिंब समय, मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम। और क्या बचा है, जल प्रतिबिंब समय, इसको कहते हैं वाटर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम। इस चैप्टर में आपको यही चीजें पढ़नी, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें पढ़नी। इस 8 चीजों में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा, आप लोगों के सामने बताऊंगा कई सारे क्लासेस के माध्यम से, क्योंकि एक सेशन में, एक क्लास में ये सब खत्म करना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, लेकिन पढ़ना आपके लिए बड़ी बात है, क्योंकि संभव नहीं है कि 1 घंटे क्लास में या 2 घंटे क्लास में ये पूरा, सॉरी 1 घंटे क्लास में खत्म हो जाए। खत्म करना चाहे तो आधा घंटा में सब खत्म कर दें, कुछ इसमें अगर खत्म ही करना है तो आधे घंटे से ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको उस तरीके से नहीं पढ़ना है कि पर ज्यादा नहीं करना, हमको हमको ये नहीं करना है कि हम इसको पढ़ना था पढ़ चुके बात खत्म, ये चीजें नहीं करनी है आपको। इस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से जो आए वो जाने ना पाए, क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन इस क्लॉक से, इस क्लॉक के चैप्टर जैसे आप क्लॉक पढ़ रहे हैं, इसके बाद कहीं भी आप, कहीं भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कहीं से भी आप क्वेश्चन, आपको कोई क्लॉक का देता है तो आपका क्लॉक का क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा प्रयास है, क्वेश्चन ना फंसे ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को आप ट्रिक से हम बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, उस तरीके से बताएंगे, उस तरीके से आपको करना है, चीजों को समझना है। अब इतना समझ गया, आप इसका शॉर्ट लेना चाहे स्क्रीन शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे दो सुइयों के मध्य का कोण याद करना, जैसे ये हमारा होता है क्लॉक, ठीक, ये होता है आवर्स का हैंड, आवर्स का डायल, ये होता है मिनट, मिनट्स की सुई, ये 12, ये 3। अब इसका मतलब क्या है, टाइम कितना हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप, 12:15, ये आवर्स वाली सुई, ये मिनट्स वाली सुई है, 15 मिनट यहाँ हो गया। तो अगर हम कोण निकालना चाहें इनके बीच का कोण कितना होगा, यही हमारा इसमें सबसे पहले वाले में यही देखेंगे, दो सुइयों के मध्य, एक सुई के मध्य कोण क्या होगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक है, ये दो है, ये एक है, दो है, जो इसके पहले मेरी क्लासेस पढ़ चुके होंगे दूसरे बैचेस की, उनको समझ में आएगा चीजें, आसानी से देख के ही समझ गए होंगे। इसमें देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, एक मतलब इसके इसके बीच में कितनी दूरी होती है, 5 मिनट की दूरी होती है। और घड़ियों, अभी मैं आपको यहाँ बताऊँ, जब हम आपको यहाँ विस्थापन बताएंगे, जब विस्थापन मैं आपको बताएं तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी खुद, आप उसके बाद अगर ये मैं लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से करना है। 5 10 15 मिनट की दूरी है, 15 मिनट की दूरी में कितना एंगल होगा, आप ये अगर देखिए तो यहाँ समकोण मैंने लिखा हूँ, समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। कहीं भी अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं ऐसे लिखा है, थोड़ा तिरछा बन गया, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ऐसे करके ऐसे अगर लिखा है और ऐसे बना है, इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री है हमारा समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है और 15 मिनट की दूरी, यानी 15 मिनट में 90 डिग्री से हम निकाल सकते हैं, 1 मिनट की दूरी, 1 मिनट की दूरी कितना आएगी, 6 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 6 का 90, ठीक। चलिए ये सब अभी देखेंगे आगे, ये चीजें समझ गए आप क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है।
सबसे पहले आज हम बेसिक देखेंगे कैसे दो सुइयों मध्य कोण निकालते हैं, कैसे दूरी निकालते हैं, कैसे देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर आगे से धीरे धीरे करके 2-3 क्लास में, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं मैं टाइम बहुत कह दे रहा हूँ तो आप लोग एकदम आराम से लेट के पढ़िए, ये मतलब माइंड फ्री कर लीजिए कि टाइम तो बहुत है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ये सब नहीं, क्योंकि यही यही रीजनिंग ही आपको नहीं पढ़ना, पढ़ना आपको बहुत चीज़ें इसमें हैं, रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आएगा, लगभग 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन है, 35-40 के बीच में, ठीक है, लगभग 35, 36, 37, 40, 30, 32 कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरीके से पढ़िए। रीजनिंग रीजनिंग ही नहीं, सभी सेगमेंट ऐसे आएंगे, 150 क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन आएगा, 300 नंबर का होगा, ठीक है। और अब पढ़िए आप लोग, देखिए दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, बात करते हैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, दो सुइयों के मध्य मध्य एंगल ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, कैसे निकालते हैं, जैसे ये आपका क्या है, क्लॉक है, ठीक, ये है आवर्स वाली सुई। अगर आप इसमें थोड़ा सा ये समझिए कि आवर्स वाली सुई है ये, एक सर्कल जो होता है कितना डिग्री का होता है, एक बार जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चलता हूँ, 12 से मैं चला, घूम के पूरा फिर से 12 पे पहुंचा, तो मैं कितना डिग्री घूमूंगा, मैं घूमूंगा कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमूंगा, क्योंकि एक राउंड में हमारा 360 डिग्री होगा एंगल, ठीक। अब अगर 360 होगा और घंटा हमारा कितना होगा, ये आवर्स वाली सुई एक बार घूमेगी तो कितना होगा, 12 घंटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 घंटे। तो अब आप यही समझिए, अगर 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है ये एक बार घूमती है पूरा, तो 12 घंटा होता है, ठीक, एक राउंड इसका 12 घंटा होता है, और एक राउंड अगर डिग्री में देखें तो एंगल में देखें 360 डिग्री होता है, 360, ठीक। यानी कहने का मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रहा है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 360 में, यही लिखिए आप लोग, 360 में 12 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, बात यह 36, ये आ गया 30, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है, 1 घंटे में, ये घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। अब घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 1 घंटे में, इस 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, इस 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, 1 घंटे में 60 ही मिनट तो होता है, तो 1 घंटे को 60 मिनट मैंने यहाँ लिखा आपके सामने, अगर 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में यही 60 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में हो जाएगा 1/2, यानी 1 मिनट में हाफ डिग्री, ये क्या, ये घंटे वाली सुई की मैं बात कर, घंटे वाली सुई 1 मिनट में, ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में नहीं बात कर रहा मैं, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी, घंटे वाली सुई, आवर्स वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है, ठीक। ये हमारा क्या, घंटे वाला, अगर हम यही मिनट्स की बात कर लेते, मिनट्स वाली, यहाँ मिनट्स वाली लिख दें, मिनट्स वाली की बात कर, थोड़ी सी ये लंबी होती है, मिनट्स वाली सुई भी वही चीजें हैं, इसमें इसमें क्या होगा, मिनट्स वाली सुई जब घूमेगी एक चक्कर में कितना घूमती है, 60 मिनट, एक चक्कर में कितना घूमेगी, 60 मिनट घूमती है, जैसे ही 60 मिनट इसका पूरा हुआ, फिर अगले मिनट में मतलब अगली बार क्या करेगी, दूसरा घंटा लग जाएगा, फिर एक से चलेगी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 60 ज्यादा चलती नहीं है, और ये भी 60 अगर चल रही है तो कितना हमारा होगा, 360, ये भी होगा, अगर ये भी, तो अब यहाँ इसको मिनट वाली समझ लीजिए, ये हमारा आवर्स वाले था, ठीक, अब ये मिनट्स वाली है, मिनट्स वाली क्या है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में ये डिवाइड कर देंगे, 360 से 60 डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 6, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, ये क्या है, मिनट वाली सुई घूमती है, इतना समझ गए आप लोग, अगर इतना समझ गए हैं तो यहाँ फिर से एक बार इधर लिख लीजिए, यहाँ
घंटे वाली सुई की अगर हम बात कर लेते हैं, घंटे वाली सुई, आवर्स वाली सुई की बात करें, आवर्स वाली हैंडल की बात कर लें, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है। मिनट्स वाली सुई की बात कर लें तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। बस इतना चीज़ें आप समझ लीजिए बस। अब मैंने आपको यहाँ जो अभी बताया था पीछे 15 मिनट की दूरी थी, 90 डिग्री समकोण हमारा बना था, दिख रहा था 90 कोण जैसा, तो यही समझिए 1 मिनट में 6 डिग्री मैंने आपको बताया था वहाँ पे, 1 मिनट में 6 डिग्री निकल गया है। अब 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, आप कभी क्लॉक देखेंगे, क्लॉक जैसे मान लीजिए ये देख रहे हैं आप, ये हमारी अगर आवर्स वाली सुई हो गई, ये आवर्स वाली सुई हो गई, और ये यहाँ होता है 15, यहाँ होता है 20, ये हो गया, ये मिनट्स वाली सुई हो गई। इसका मतलब क्या है कि 12 बज के 20 मिनट हो रहा है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनके बीच का जो हमारा वो होगा एंगल क्या होगा, इसके बीच का एंगल फाइंड करिए आप बताइए इसके बीच का हमारा क्या एंगल क्या होगा इसमें। तो क्या करेंगे, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है तो कितना मिनट है, यहाँ देखिए 20 मिनट है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 20 मिनट की बात करें, 20 मिनट कितना, 20 को 6 से क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर दिए, 6 दूनी 12, 120 मिनट। तो ये जो हमारा टाइमिंग होगा 120 मिनट, ये क्या हो जाएगा, तो सॉरी 120 मिनट नहीं, 120 डिग्री, ठीक है, 120 क्या है, ये डिग्री है, यानी जब 20 मिनट की दूरी होगी तो टाइमिंग हमारा डिग्री में क्या होगा, मिनट की दूरी 20 होगी, तो ये होगा। अब इसको इससे निकाल सकते, इसको इससे निकाल सकते हैं आप किसी भी चेंज करके, ठीक, इतना समझ गए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, कमेंट करिए। घंटे वाली सुई की बात करते तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 मिनट घूमती है, 1 मिनट में, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है, और वहीं मिनट्स वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, ठीक है। इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी भी आगे चलने से पहले बता दीजिए, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर एग्जांपल बताते हैं आपको। देखिए अगर इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और हम देखें, इसमें प्रारंभिक मतलब दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं ये समझिए आप, उसके बाद अगर कोण निकाल तो कोण आप निकाल सकते हैं, ये हमारा है एच, ठीक, और ये है हमारा एम। अब एच को थोड़ा सा आप यहाँ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये है हमारा प्रारंभिक स्थान कहीं से, यहाँ से 2 व्यक्ति चलते हैं, राम और श्याम, 2 व्यक्ति यहाँ से चलते हैं, ठीक, राम जो है, राम यहाँ आता है, राम यहाँ, श्याम यहाँ तक आता है, श्याम यहाँ तक आता है, और इस राम और श्याम को चलना कितना है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, राम और श्याम को चलना कितना है, 100 किलोमीटर, जबकि राम क्या है, राम क्या है, चलता कितना है, मान लीजिए 60 किलोमीटर। कोई व्यक्ति जैसे यहाँ से देखिए, प्रारंभिक स्थान या अंतिम स्थान आपका, समझ लीजिए, यहाँ लिख दीजिए ऊपर प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान, ठीक, समझिए ये प्रारंभिक स्थान है, एक प्रारंभिक स्थान से राम और श्याम क्या करते हैं, चलते हैं, राम कितना चलता है और श्याम कितना चलता है ये डिपेंड करता है, जिसे इसको मैं समझो अगर 1 मिनट रुक जाइए, चलिए क्या हम बात करते हैं यहाँ पे, ये प्रारंभिक स्थान है, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, इनको चलना कितना, 100 किलोमीटर चलना है,
प्रारंभिक स्थान से श्याम जो 60 किलोमीटर चलता है, राम जो है 40 किलोमीटर चलता है। अब 40 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर। क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ रहे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का ये डिफरेंस कितना है, ये कितना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे आप? इसको निकालने के लिए, मतलब ये दूरी निकालने के लिए, यहां से यहां तक की दूरी जो निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक स्थान से श्याम माइनस प्रारंभिक स्थान से राम, प्रारंभिक स्थान से श्याम, श्याम और प्रारंभिक स्थान से राम, प्रारंभिक से राम, प्रारंभिक स्थान से राम, ठीक। ये प्रारंभिक स्थान से राम और प्रारंभिक स्थान से श्याम के बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा, यही क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी होगी। अब यही से समझ लीजिए, प्रारंभिक स्थान से श्याम कितना चलता है, 60 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से राम कितना चलता है, 40 किलोमीटर। बीच का डिफरेंस कितना है, 20 किलोमीटर। अब यही जो डिफरेंस है, यही इनके बीच की क्या है, दूरी है, ठीक। कितना समझ गए? अब यही एंगल में होता है हमारा, सेम यही चीजें एंगल में होता है, उसको भी देखते हैं। अब एग्जाम्पल आपको हम देंगे, उसको आप लोग करिए, ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल कैसे करते हैं आप लोग। यहां तक कोई दिक्कत पड़ जाए चीजें समझने में? मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सीधा क्वेश्चन। 2:20 फाइंड एंड द एंगल, एंगल फाइंड करना, कोण ज्ञात करना है इसके किसके बीच, 2:20 का जो हमारी टाइमिंग है, एक घड़ी आवर्स वाली सुई, एक मिनट्स वाली सुई के बीच में, दोनों डायल के बीच में एंगल फाइंड करना है, एंगल ज्ञात करना है। तो करते गए, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एच इंटू 30 + m/2 approx 6 × m, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आपको पता है तो आप इस क्लास में कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बेशक थोड़ा सा लंबा हमारा होगा, जैसे एग्जाम में उसके लिए मैट्रिक आपको बताऊंगा, बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को करते कैसे, कुछ क्वेश्चन का कौन, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप 10 लोग के बीच में बैठे हैं, आप कभी, आप ये समझिए, आपको कोई बच्चा हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आप सगा संबंधी हो, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो ये जान रहा है कि आपने तैयारी कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, तो आपसे कोई क्वेश्चन उससे नहीं आता है, तो आपसे पूछेगा कि भैया ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, इसके बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा। आप ट्रिक से मान लीजिए बता देते हैं, ट्रिक से बता, ट्रिक क्या होता है, थोड़ा सा भूलता जल्दी है, ट्रिक में एक यही कमजोरी, यही दिक्कत होता है, तो ट्रिक थोड़ा सा भूलता जल्दी है कि करते कैसे, क्या ट्रिक बनाए थे याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, इसको आप लोग अगर ध्यान रखें, कभी आप ट्रिक भूल भी जाते हैं, इससे आप बता सकते हैं, और बताने के लिए ये सबसे उत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका, अच्छा फॉर्मूला है, ट्रिक से आप एग्जाम में करिए, एग्जाम में जो जा रहे हैं उनको सजेस्ट करिए, उनको कहिए करने को। बाकी फॉर्मूला हमारा कैसे, अगर इस पे हम रखना चाहें, इस पे करना चाहें, कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हमारा आवर्स है, यानी आवर्स वाली सुई पे कितना है, दो दो पे आवर्स वाली सुई है, मिनट्स वाली सुई क्या कह रही है, 20 मिनट, आवर्स वाली सुई 2 घंटे, जहाँ एच है वहाँ 2 रख देते हैं, जहाँ एम है वहाँ 20 रख देते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यही फॉर्मूला। यहाँ देखिए, एच इंटू 30 + m/2 approx 6 × m। अब कुछ नहीं करना, इसी में रख दीजिए, एच की जगह 2 रख देते हैं, 30 + m की जगह क्या है, 20, तो m/2 है, 20/2 मतलब 20/2 कर दिए यहाँ पे, अप्रॉक्स 6 × m कितना हमारा, m है कहाँ गया, ये है m, 20, ठीक। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, वही हमारा क्या होगा, एंगल हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 = 6, जो कि 60 + ये 10 अप्रॉक्स 120, 60 + 10 अप्रॉक्स 120, इसको ऐड कर लिए, ये हो गया हमारा 70, ये हो गया 120, इनके बीच का डिफरेंस देखें, 7 × 3 = 10 = 12 = 50, बीच का डिफरेंस हमारा कितना है, 50। ये जो 50 है, यही क्या है, बीच का कोण,
बीच का कोण है ये, 50 निकल गया का। कैसे निकला? यही हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में मैंने एच इंटू 30 प्लस एम बाई टू प्लस एक्स इंटू एम वाले फॉर्मूले पे मैंने यहाँ लिखा ये, इस फॉर्मूले पे मैंने यहाँ रखा है एच की जगह 2 रखे, 30 प्लस एम बाई टू एम की जगह 20 अप्रॉक्स 6 इंटू 20। ये फॉर्मूले 6 प्लस 10 अप्रॉक्स 120 हो गया। इसका इसका मल्टीप्लाई का 120 प्लस 70 होगा, ये 120 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 50। साथ देखिए 70 में 50 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, जो 50 हमारा डिफरेंस आया यही क्या हो जाएगा, बीच का कोण हो जाएगा, यही हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक और समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। कोई ये जरूरी नहीं कि आप एक दो चीज देख के आगे बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करेंगे पूरा करेंगे, विद इन टाइम करेंगे। ठीक, चलिए 4 40 5 10 और 1 20 31 कर देते हैं, 31। अब बीच का कोण निकालिए, बीच का कोण इसका इसका और इसका, चलिए निकाल के जल्दी से बताइएगा आप लोग। देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, दो मैं बता रहा हूँ, एक आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा उसको, तो आप लोग क्लास को देखने के बाद कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको। ठीक, यहाँ देखिए इस फॉर्मूले पे रखते हैं एच की जगह क्या रखेंगे, 4 4 इंटू 30 प्लस एम की जगह 40/2 अप्रॉक्स 6 इंटू 40, ये हमारा ये हो गया। दूसरा देखिए क्या होगा, चलिए बता ही देते हैं क्या, ये हो गया 120 प्लस ये 20 अप्रॉक्स 6 × 24 240, ये हो गया कितना, 140 अप्रॉक्स 240, 140 240 के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 100 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया बीच का कोण, यही हमारा क्या हो गया एंगल बिटवीन एंगल, दोनों के बीच का एंगल। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखिए एच की जगह 5 × 30 प्लस 10/2 ये एम बाई टू है ना, अप्रॉक्स 6 × m, m कितना है 10, ये हो गया 15 150 प्लस ये हो गया 5 अप्रॉक्स 6 × 10 से करेंगे 60 हो गया, ये 105 155 155 ये 60 हो गया। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा, देख लीजिए डिफरेंस क्या है, यहाँ 40 50 या 90 95, ये जो 95 है ये हमारा क्या है बीच का कोण आ गया, बीच का कोण एंगल आ गया दोनों के बीच का। अब 1 30 का मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, एच इंटू 30 प्लस एम बाई टू अप्रॉक्स 6 × m, यही हमारा होता है फॉर्मूला, ये हमारा है एच, ये है हमारा एम। अब एच एम को आप वैल्यू इस पे रखिए, सॉल्व करिए, कमेंट करिए, आंसर बताइए, इसका आंसर मैं आपको क्लास में नहीं बताऊंगा। इतना समझ गया, ये हमारा बेसिक बेसिक चीजें थी, इसके बाद हम अगले क्लास में अतिव्यापन देखेंगे, आज की क्लास को बस यहीं रोकते हैं, आज बेसिक समझ लीजिए, कल से हम प्रॉपर लेवल नाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जब तक मतलब जितना मैंने अभी तक पढ़ा, इसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या हो तो आप लोग निसंकोच कमेंट करिएगा, कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो आपका कुछ पूछना हो तो आप हमारे इंस्टा पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो कि परिणाम अकेडमी के नाम से है, परिणाम अकेडमी के नाम से है। और टेलीग्राम पे मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, टेलीग्राम पे हमारा एक पेज है, ग्रुप है, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ जो है क्लासेस के सारे लिंक दिए जाते हैं, पीडीएफ दिए जाते हैं, पोल चलाए जाते हैं, हैंडरिटन नोट्स दिए जाते हैं, आपको बहुत सारी सुविधाएं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगी, तो आप लोग उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर आप सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं। एक सीरियस एस्पिरेंट है, मतलब इस बार एग्जाम को दिखाना चाहते हैं, इस बार सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सीरियस होकर ज्वाइन करिए इस चैनल को, चैनल से जुड़े रहिए, आज के बाद से आपको डेली निरंतर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब क्योंकि यूपी पुलिस की बैच आज डिजनी की मेरी पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे आपको सभी मैथ्स पढ़ाया जाएगा रोहन सर द्वारा, सभी अध्यापकों द्वारा, सभी सेगमेंट पढ़ाया मैम द्वारा पढ़ाया जाएगा, साइंस आपको जो जनरल है सब, आप धीरे धीरे क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगले टॉपिक से, ओवरलैप सॉरी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ओवरलैपिंग पार्टी क्लॉक वगैरह ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।